अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज 1 जून 2023 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे। आज बहुत ही खुशी का दिन है पाकिस्तान की आवाम के लिए, ख़ास तौर पे रेल फैंस के लिए, क्योंकि आज जो पाकिस्तान की नामी ग्रामी ट्रेन है मुल्तान से कराची की तरफ चलने वाली, यानी कि 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस तकरीबन 1 साल बंद रहने के बाद दोबारा बहाल हो रही है, तो आज बहुत खुशी का दिन है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के लोको शेड में और पीछे आपको नज़र आ रहा है GU 49012, जो कि मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह दिखाऊंगा, जो कि दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तो आज ये पहले दिन लीड करेगा 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ रहिएगा। तो ये आप देख सकते हैं GU 49012, जो कि आज 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को लीड कर रहा है, जिसको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों सामने आपको 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का जो लोकोमोटिव है वो सजा हुआ नज़र आ रहा है GU 49012, जो कि आज फर्स्ट डे लीड करेगा 26 डाउन को। तो दोस्तों अभी कुछ ही देर में GU 49012 शेड से निकल के अपने रेक के साथ अटैच होने के लिए जाएगा, तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और 4 बजे इसका राइट टाइम डिपार्चर है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको सारी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे जो आज 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन पर होंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। काफ़ी दूर दूर से रेल फैंस आए हैं इसको कवर करने के लिए, तो उन सब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो दोस्तों वो सामने वन अप खैबर मेल अप्रोच कर रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। आज इसको प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लिया गया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 आज भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के लिए बिल्कुल बुक है। तो 9006 के साथ 26 डाउन वन अप खैबर मेल पहुंच चुकी है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे। तो कुछ ये हालात हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के, और देखना ये है कि अब किस तरह का रेक 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का होगा, आया कि वो CFI का वेल फर्निश्ड रेक होगा, CNR कोचिज होंगी, या फिर ओल्ड रेक के साथ इसको चलाया जाएगा। तो ये अभी एक सस्पेंस है हमारे लिए, साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको सब कुछ दिखाएँगे। दोस्तों सामने आपको मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है, किले नुमा। तो अभी काफ़ी सारे यहाँ पे जो व्लॉगर्स हैं वो इकट्ठे हुए हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको इंशाल्लाह सबसे मिलवाएंगे, ये आप देख लें। दोस्तों सामने आपको मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है, अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको हालात वाकयात दिखाते हैं कि आज क्या अरेंजमेंट्स की हैं 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के लिए। तो ये रिवायती गुब्बारे जो मुल्तान स्टेशन पे अक्सर देखने को मिलते हैं वो लगे हुए हैं, और आज ये वाला जो वेटिंग हॉल है, ये वेटिंग हॉल भी ओपन किया हुआ है, एसी वेटिंग हॉल। सामने आपको बैनर नज़र आ रहा है 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का। दोस्तों लोकोमोटिव आ गया है 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का, चौधरी असद नईम साहब हॉल कर रहे हैं। तो आज 26 डाउन को फर्स्ट डे डील करेंगे मुल्तान की शान ड्राइवर चौधरी असद नईम साहब और साथ में असिस्टेंट ड्राइवर साकिब अली साहब। तो लेट्स सी रेक कब आता है। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं बिलाल भाई से। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है बिलाल भाई? ठीक है, आज मुलाकात हो गई आपसे? बस यार इंशाल्लाह आइंदा भी होती रहेगी। तो आप मिलते ही नहीं है यार, आप बस अकेले अकेले आगे चले जाते, नहीं आते और हम आगे नहीं आते, वही तो बात है। कहां तक अधूर है, क्या फीलिंग है आज फर्स्ट डे जिक्रिया एक्सप्रेस? बस यार अच्छी बात है कि एक सस्ती ट्रेन हाँ जी दोबारा रिस्टोर होने जा रही है, और इस ट्रेन की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये छोटे स्टॉप्स को छोटे शहरों को कवर करती है। तो खुशी तो इस बात पे होनी चाहिए कि बहाल हो रही है, लेकिन ये है कि नई ट्रेन नहीं चल रही, सिर्फ बहाल हो रही है। और ये आवाम का हक है, बहुत शुक्र है कि रेलवे वालों ने बहाल कर दी है। तो बिलाल भी ट्रैवल करेंगे आप इस पे आज? इंशाल्लाह बहावलपुर तक जाना है। कराची नहीं जाएंगे? नहीं अभी नहीं, कभी फिर जाएंगे। चले इंशाल्लाह। और बिलाल भाई सब खैरियत? ठीक। कब पहुंचे थे आप मुल्तान? हम 2 या 3 दिन पहले 16 टाउन में पहुंच गए थे मुल्तान, उसके बाद 2-4 स्टेशन कवर किए हैं। सही, क्योंकि 2 दिन मिल गए थे। चले और आज इंशाल्लाह ये कवर चले, आज साथ रहते हैं करते हैं कवर। थैंक यू बिलाल भाई। दोस्तों रेक आ रहा है 26 टाउन बहुद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस का, ओल्ड रेक है। और कुछ ज़्यादा ही पुराना रेक है आज 26 टाउन बहुद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस के लिए। हमें ये उम्मीद थी कि न्यू रेक के साथ चलाई जाएगी ये, जैसे पिछले साल चलाई गई थी। और आगे की कुछ कोचेस सजी भी हुई हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो आगे की कुछ कोचेस को डेकोरेट भी किया हुआ है, लेकिन टोटल रेक CFI है। अभी तक मुझे कोई CNR कोच नज़र तो नहीं आई इसमें। और आपको एक और चीज़ का मैं इसमें एडिशन बता दूं कि आज से इसमें AC डाइनिंग कार भी आया करेगी। तो पहले बहुद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस में AC डाइनिंग कार का इजाफा नहीं था, लेकिन AC डाइनिंग कार का भी इजाफा कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि बहुद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस 26 टाउन 25 अप में की गई है। तो CNR बिजनेस क्लास की कोच नज़र आ रही है आपको। तो अब आपको मिलवाते हैं फहीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है फहीम भाई? ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आज फिर इकट्ठे हो गए हम दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनें चलती रहेंगी तो सारे रेल फैंस और फ्रेंड्स जो हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे। तो एक साल पहले इसी जगह पे हमने SSR ग्रुप के साथ इसका इनॉग्रल किया था। तो अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं जब गवर्नमेंट के अंडर ये चल रही है? यार मेरी फीलिंग हमेशा से ही पॉजिटिव होती हैं, बेशक वो प्राइवेट होकर ट्रेन चले या वो सरकार चलाए, मकसद है आवाम को सहूलत देना। और ट्रेन चल रही है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। और उम्मीद है कि जो बाकी बंद ट्रेन हैं, अवाम एक्सप्रेस, सर सैद एक्सप्रेस, खुशहाल खान खटक, सांदल और इस किस्म की और छोटी पैसेंजर ट्रेन, सिंध एक्सप्रेस, सिंध की ट्रेनें, मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस, ये चलें और अवाम को सहूलत मिले। तो आज ट्रैवल कर रहे हैं आप भाई? इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे बहावलपुर। चलें करते हैं फिर। ओके, थैंक यू। तो जहानिया की मशहूर हस्ती खालिद साहब मौजूद हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आज फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही मुल्तान में, वरना जहानिया में होती है। नो डाउट। क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये थोड़ा आउट ऑफ वे है, इस वजह से इधर आना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या राय देते हैं कि 26 टाउन को चलाने में गवर्नमेंट ने क्या कोई अच्छा? बहुत अच्छा एग्जाम है मुल्तान की। ये वाहिद फेमस ट्रेन थी जो यहीं से ओरिजिनेट होती थी जी, और इसके अंदर आपको नहीं पता मगर मुझे पता है कि 85 में ये सबसे मकबूल तरीन ट्रेन थी जब ये चली थी 86 में, और हम बकायदा प्रॉपर इसके ऊपर पैसेंजर यहाँ चढ़ाने आया करते थे जहानिया से। सही सही, तो ये फुल होती थी उस वक्त। लोकोमोटिव आ रहा है उसको क्या चले। ठीक है सर, थैंक यू। ये बहुत अच्छा किया ये चला। तो सामने GU40 9012 नज़र आ रहा है आपको, जो कि 26 टाउन बहुद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस के रेक के साथ अटैच होने के लिए आ रहा है। तो अभी आपको अटैचमेंट दिखाते हैं 9012 की। तो GU40 9012 26 टाउन की पावर, जिसको आज काफ़ी अच्छा सजाया गया है। चौधरी असद नईम साहब कॉल कर रहे हैं,
9012। दोस्तों आपको पीछे सजा हुआ इंजन नज़र आ रहा है जो कि आज 26 टाउन बहुद्दीन जिक्रा एक्सप्रेस को लीड करेगा GU409012। और आप देख सकते हैं कि अभी ये जो बाकिया रेक के साथ है तो अभी रेक के साथ अटैच होगा। फ्लैग भी लगा दिया लोकोमोटिव के आगे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है 26 टाउन का इंजन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आज के 26 टाउन बहाउद्दीन जिक्रा एक्सप्रेस के ड्राइवर चौधरी असद नईम साहब, तो इनसे बात करेंगे। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज आपको एजाज़ मिला है फर्स्ट डे का। जी जी खैर मुबारक। तो सर क्या फीलिंग है आपकी आज ये गाड़ी को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि काफ़ी अर्सा के बाद ये गाड़ी की स्टोर हो रही है। तो डीएस साहब इसमें डीएस साहब ने कमाल किया है, डीएस साहब, सीओ साहब और रेलवे मिनिस्टर का अहम किरदार है इस गाड़ी को चलाने में, तो इन सब का मैं बेहद मशहूर हूँ। और ये बहुत ही मुल्तान अहले मुल्तान के लिए बेहतरीन गाड़ी इसको मैं कहूँगा, क्योंकि अरसा 10-12 साल से ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जी सर। तो इसकी बड़ी कमी महसूस हो रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये दोबारा स्टार्ट हो रही है, तो मेरे लिए ये बहुत खुश अहम बात है, पूरे मुलाजमीन के लिए खुश अहम बात है, हमारे डीएमई साहब, एएमई साहब, ठीक है, एफओपी स्पेशल साहब, फोरमैन साहब, इन सबका मैं मशहूर हूँ। जी सर। और अपना स्टाफ जितना भी है वो सब भी खुश हैं कि आज ये काफ़ी अरसे के बाद ये गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है। तो सर अब आप बहाउद्दीन जिक्रा एक्सप्रेस जाके वापस भी वही लेके आएंगे जो कराची से आएगी? नहीं, हमारा नया लिंक रिपीट हुआ है, हम आज जिक्रिया जा रहे हैं तो कल वहाँ से हज़ारा एक्सप्रेस कराची से हवेलियाँ वाली गाड़ी लेकर आएंगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थे चौधरी असद नईम साहब। तो इस वक्त मेरे साथ 26 टाउन बहाउद्दीन जिक्रा एक्सप्रेस के असिस्टेंट ड्राइवर साकिब भाई मौजूद हैं। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर क्या फीलिंग्स है आज फर्स्ट डे आप लीड कर रहे हैं इस गाड़ी को? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा हमें लग रहा है, हमारे ये रेलवे के अफसराने बाला का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें फर्स्ट डे की गाड़ी चलाने का मौका फराहम किया। ये अवामी सवारी है और इसमें इंशाल्लाह आवाम को बहुत फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ फिर हमारे महकमे को भी बहुत फ़ायदा होगा। जी, तो साकिब भाई आप ये बताएं कि ये कामयाब ट्रेन रहेगी अब जब दोबारा चलाई है गवर्नमेंट ने? कामयाब ट्रेन थी और इंशाल्लाह असल वजह से ये बाद में भी कामयाब ही रहेगी इंशाल्लाह, और ये बहुत अच्छी गाड़ी है मुल्तान से कराची तक और कराची से वापसी मुल्तान तक, बहुत अच्छी इंशाल्लाह। चले साकिब भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान करे, थैंक यू। इस वक्त दोस्तों डीएस रेलवे जो मुल्तान डिवीजन के जनाब हमाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और इफ्तिताह करेंगे आज 26 टाउन बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस का। रिस्पेक्टेड डीएस सर, तो इस वक्त हमारे ड्राइवर चौधरी असद नईम साहब जो है वो हार पहना रहे हैं डीएस सर को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26 टाउन बहाउद्दीन जिक्रा एक्सप्रेस की डाइनिंग कार में जो कि पहले मौजूद नहीं थी लेकिन अब इस चीज़ का इजाफा कर दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हुई हुई है एंट्रेंस पे। हाँ जी मुबारक हो। और कुछ इस तरह के हालात हैं डाइनिंग कार के, बिल्कुल एयर कंडीशन डाइनिंग कार है। तो दोस्तों मैं इस वक्त फिर से जा रहा हूँ लोकोमोटिव के पास क्योंकि
सात से आठ मिनट रह गए हैं डिपार्चर को, तो डिपार्चर कवर करते हैं और मज़ीद अगर कुछ रह गया है तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो पाक रेलोग्राफी का सुफियान भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुफियान भाई? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सुफियान भाई एक साल पहले इसी जगह इकट्ठे थे 26 के लिए, एक साल बाद भी इसी जगह इकट्ठे हैं। बिल्कुल मोर और लेस एक साल ही हुआ होगा जी। कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? अच्छी फीलिंग्स हैं और बस यही दुआ है कि हर साल ये ना देखना पड़े, बस चलती रहे कंटिन्यू। ट्रैवल कर रहे हैं सुफियान भाई? बस छोटा सा ट्रैवल करेंगे बावलपुर तक। अच्छा। और क्योंकि अभी तक इतना रश था इधर, सब लोग आए हुए थे, अंदर कोचेज में जाने का मौका नहीं मिला। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मैं दिल से मशकूर हूँ आप तशरीफ लाए। चले ये हमारे ड्राइवर साहब चौधरी असद नईम साहब, थैंक यू। चले सुफियान भी टाइम हो गया डिपार्चर का, असद साहब भी तैयार हो गए, आज मजा कराएंगे रास्ते में ये। बिल्कुल। और ये मेरे भाई हैं यार, जवाद, ये जवाद भाई, इनका अल्लाह ताला सेहत दे, जल्द आपको देखें हम। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जी, आपको चले। दोस्तों आपने पावरफुल विसल सुनी है जीयू 49012 की, तो अभी डिपार्चर होता है, सेकंड विसल होगी और ट्रेन डिपार्ट करेगी, तो आपको डिपार्चर दिखाते हैं। दोस्तों सेकंड विसल दी है और डिपार्ट करने लगी है। फर्स्ट डे आफ्टर वन ईयर, 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस जीयू 49012 के साथ। और आज इसको लीड कर रहे हैं चौधरी असद नईम साहब और साकिब अली फ्रॉम मुल्तान टू रोड़ी। और हमारे जितने भी रेल फैंस हैं वो सब ट्रैवल कर रहे हैं आज इसी में भावलपुर तक, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें ट्रैवल करूँगा अपने एग्ज़ाम्स के बाद और फिर इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे। बहुत ज़बरदस्त पिकअप हुई है 9012 GU 40 लीड कर रहा है 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को। तो ये फहीम भाई चले गए और ये पीछे बिलाल भाई और असद भाई। और ये सुफियान भाई भी नज़र आ गए हैं हमें। अल्लाह हाफिज़ सुफियान भाई। तो पहले दिन एक साल बाद 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से और ढोल के साथ इसको डिपार्ट कराया जा रहा है। चाचे मामे ताए फुपियाँ आंटियाँ ताइयाँ सारी बाय बाय टाटा करते हुए पहले दिन को एंजॉय करते हुए जा रही हैं अपनी अपनी मंजिलों की तरफ गामजन। इसी के साथ चलेगी 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस पहले दिन अपनी मंजिल को। तो इस वक्त तीन भाई मौजूद हैं मेरे साथ जो के मिलने के लिए आए, बहुत शुक्रिया इनका। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम, आपकी वीडियो देखते हैं सर। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है, आप इधर ही रहते हैं? जी मुल्तान से ही हूं मैं। तो मुझे कैसे आपने? आपको यूट्यूब से आपकी वीडियोस देखते हैं हम। अच्छा जी, चलो थैंक यू। और रेल फैन हो आप भी? फेवरेट इंजन बता दो कौन सा? जीयू 40। ये दो फेवरेट है? तो क्या वजह है इसकी? जीयू 40, एक तो उसके मुझे तो विसल भी उसका बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली, और उसकी एक स्पीड। अच्छा अच्छा अच्छा। और HGM 30 आपका पता है कि लेजेंड है वो? तो लेजेंड है बाकी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है? सैयद हनान। सैयद हनान। हनान, तो आप भी रेल फैन हो या भाई के साथ? बस नहीं, रेल फैन है। तो आपका इंजन कौन सा फेवरेट है? जीयू 20। बड़े आइडियल इंजन चूज किया यार आपने, छोटा इंजन। तो वीडियोस देखते हो आप? चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? नाम क्या है आपका? राहत अली। राहत अली, तो वीडियोस देखते हो आप भी? देखते हैं। तो इंजन कौन सा फेवरेट है आपका? जीयू 20 और जीयू 40। चले, शुक्रिया जी आपका। तो दोस्तों, आज आपने 26 डाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का जो फर्स्ट इनॉग्रल था एक साल के बाद, वो देखा। तो सारे रेल फैंस आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा इनॉग्रेशन हो गया। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस ट्रेन को ऐसे ही कामयाब करे और इसको पहले दिन अपनी सेफ एंड साउंड कराची कैंट रेलवे स्टेशन या कराची सिटी पे पहुंचाए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।